करते हैं बीकानेर का, जहां पर केके सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केके, बीकानेर की अगर बात की जाए तो वहां पे क्या हालात नजर आ रहे हैं? जी सागरिका, बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर में तेज गर्मी भयंकर है और नौतपा की जो बात है, नौतपा शुरू हो चुका है। 25 मई से नौतपा है और 25 मई से नौतपा शुरू होने के बाद में तेज गर्मी शुरू हो चुकी है। 9 दिन लगभग पूरी तपाएगा पूरे राजस्थान को और बीकानेर में कुछ खास गर्मी रहती है। रेगिस्तानी रेतीले धुरे हैं बीकानेर में और इसीलिए यहां पर तेज गर्मी है। और अब चूंकि 28 और 29 तारीख को विशेष रूप से तेज गर्मी पड़ने का एक तरह से ज्योतिषियों के द्वारा, चूंकि नौतपा नक्षत्रों इन सबको गणनाओं को देखते हुए ज्योतिष के आकलन है कि 29 को और 28 और 29 तारीख को विशेष गर्मी पड़नी है। बीकानेर में वैसे भी कोरोना के महामारी के चलते सन्नाटा छाया हुआ है, सड़कें सूनी हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से सड़कें सूनी है, लोग नहीं दिखते हैं आसपास, कभी भी कोई जाते आते और अगर कोई लोग घर से निकलते हैं तो भी मास्क लगा के निकल रहे हैं। चूंकि कोरोना से जहां बचाव करता है वहीं गर्मी में अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो निश्चित रूप से गर्मी से बचाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका है इसी मास्क की। और ये तेज गर्मी है वो एक तरह से परेशान कर रखी है लोगों को। और अगर एसी की हम बात करें तो एसी का भी मूवमेंट है जो कमजोर होता जा रहा है इस तेज गर्मी में। जी सागरिका जी, यहाँ पर सवाल ये भी आता है केके की, यहाँ क्या मौसम विभाग के अनुसार आने वाले महीने में क्या कोई शांति मिल पाएगी इस भीषण गर्मी से, क्योंकि 9 तपे तो शुरू हो चुके हैं, तो क्या ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस 9 दिन के बाद जो आने वाला हफ्ता है उसके बाद क्या लोगों को राहत की खबर मिलने की गुंजाइश है? जी देखिए, 9 दिनों बाद में ये बात जरूर कही जा सकती है कि 9 तपा जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद राहत की उम्मीद है, कुछ बारिश वगैरह भी आने की उम्मीद है। अभी ये कहा जा रहा था कि बीच में बारिश के साथ में आंधी आने वाली थी, लेकिन आंधी और मौसम विभाग का अभी किसी तरह का कोई भी अलर्ट सामने साफ नजर नहीं आ रहा। उनका यही कहना है कि अभी गर्मी तेज पड़ेगी और इस तेज गर्मी के चलते सभी लोगों को जरूरत है कि वे अपने घरों में ही रहें। पहले से भी हम लोग समय राजस्थान और सारा एनएच की तरफ से हमेशा ही अपील की जाती रही है कि लोग अपने घरों में रहें, तेज गर्मी है और तेज गर्मी से बचाव घर में रहकर ही होगा। जहां दूसरी ओर कोरोना से बचाव की बात है तो मास्क लगाकर और घर में रहकर कोरोना से बचाव होगा और ये तेज गर्मी अभी और बढ़ने की उम्मीद है। जी सागरिका जी, यानी कि आने वाले दिनों में कोई राहत भरी खबर नहीं मिलने वाली है और हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, तो लोगों से यही अपील की जा सकती है केके कि आप घर में ही रहें और अगर घर से बहुत अनिवार्य अगर होता है तो ही बाहर निकले, तो मास्क पहन के निकले, सर पे कपड़ा बांध के निकले और बेहद जरूरी हो जाता है कि बॉडी को हाइड्रेटेड जरूर रखें। केके, आप लोग भी बाहर जाते हैं तो हम भी यही अपील करेंगे आपसे भी कि आप भी जब बाहर निकले तो इन तमाम नियमों का जरूर पालन करें। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां दी, इसलिए आपका बेहद शुक्रिया।